नमस्कार, स्वागत है लोगों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लोकसभा के चुनाव और चुनावी रणनीति चर्चा पर चर्चा तो चलते बढ़ू, एक साथ साथ जो दू गो गठबंधन बढ़े, महागठबंधन और एनडीए, दोनों के बीच में सीट के लेके अभी भी सामंजस्य के स्थिति नहीं के नजर आवत। खास करके अगर बात कर जाओ महागठबंधन के, तो महागठबंधन की स्थिति ठीक नहीं खे लागत। रोज कुछ नया बात सामने आ जाते हुए, केहू के कुछ दावा, केहू के कुछ दावा। ये सब दावेदारी के बीच में जो कुछ वरिष्ठ नेता बाड़े, वो लोग के तरफ से भी ऐसा कुछ बयान आ जाते हुए जो ना बयान के लेके बुझाता कि अब महागठबंधन टूट जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा बयान आवत हुए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक बा। बिहार में 40 गो लोकसभा के सीट बढ़ुए, कई गो दिग्गज अपन भाग्य आजमाइश करे खातिर ताल ठोकत रहे। एकरा साथ साथ महागठबंधन में यह बात के लेके भी पूरा जम के एक दूसरा पर प्रेशर पॉलिटिक्स जो कह जलन, दबाव के राजनीति, वो दबाव के राजनीति होखत। ये दबाव के राजनीति में जीतन राम मांझी के नाम सबसे आगे आगे चल रहा है। आज जीतन राम मांझी अपना पुत्र के लेके पहुंच रहे हैं रांची लालू प्रसाद से मिले खाती। लालू प्रसाद से मुलाकात में का बात भइल ओकर खुलासा तो बाद में हुई, लेकिन एक शख्स और भी गए रहे हैं जो बिहार के राजनीति में काफी प्रासंगिक बड़े, रघुवंश प्रसाद सिंह। लालू प्रसाद के बहुत करीब बड़े, वरिष्ठ नेता बाड़े और बिहार के राजनीति के खूब बढ़िया से समझे ले। कहल जाला कि लालू प्रसाद के उ छाया रूपी बाड़न। लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में अगर बिहार में केहू लालू के धारा के लेके चल रहा बुड़ुए तो उ रघुवंश प्रसाद बाड़न। बातचीत के दौरान दो चार दिन पहले रुआ लोग के उनकर बहुत सारा बात सुनौले रही, महागठबंधन के भी लेके, एनडीए के लेके, सीट शेयरिंग के लेके भी बहुत सारा बात भई रहे। उनकर एगो कहनाम रहा कि जौन स्थिति सामने आ गई बा देश के सामने, संविधान के सामने, और जौन स्थिति से देश गुजर रहा बड़ुए, जौन शासन पिछला 5.5 साल से चल रहा बड़ुए, वो शासन के लेके जितना लोग में उमस बड़ुए, गुस्सा बा, धोखा होकर के एहसास होता, उकरा के देखते हुए बिहार के 40 सीट पर कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ल जाओ। मतलब रुआ समझता नहीं, हम एक बात बीच में भी वालों से कहले रही कि राष्ट्रीय जनता दल इस बात खातिर भीतर भीतर रणनीति बना रहा बुड़ुए कि अधिक से अधिक उस सीट पर लड़ो, लेकिन ऐसा संभव ऐसे नहीं है कि महागठबंधन में बहुत सारा दल शामिल हो गए बड़े और मनोबल कांग्रेस के भी पहले से ज़्यादा हाई बुड़ुए। यह बात के लेके कांग्रेस कम से कम 12 से 15 सीट से कम में गुंजाइश नहीं है, बाकी बचा था 25 गो सीट, इसमें 6 गो दल बड़े। अब उस 6 दल में सामंजस्य कैसे बैठे हैं राजद, ये बहुत माथा पच्ची वाला चीज हो गई बुड़ुए। यही सब बात के लेके और अलग अलग तरह के जो बात उठा रहा है ओकरे के लेके रघुवंश प्रसाद के एक बयान आ रहा कि कॉमन सिंबल पर महागठबंधन 40 के 40 सीट पर लड़ जाओ और सब कोई उनकर मदद करो, पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ के अभी देश और संविधान के बचावल जरूरी बा। खास करके नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जनाधार के लूट, यह शब्द देले बा राजद, जनाधार के लूट। जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होके एनडीए के साथ दोबारा जाके बिहार के मुख्यमंत्री बन ले, ओकरा के जनाधार के लूट कहल गेल बुड़ुए। अब यह स्थिति में जब रघुवंश प्रसाद ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहले कि देश के सामने अब एक गो स्थिति बाटे कि कॉमन सिंबल पे 40 के 40 सीट पर लड़ जाओ, सारा रार, सारा झगड़ा, सारा झमेला खत्म हो जाए और एक साथ सब लोग मिलके जीत के तरफ आगे बढ़ो। आज जब लालू प्रसाद से
जीतन राम मांझी और उनकर पुत्र मिल के निकलले है। तो संतोष सुमन बड़े जीतन राम मांझी के सुपुत्र, उनका महागठबंधन में गिफ्ट भी मिलल बढ़ुए, MLC बन। वो सीधे तौर पर रघुवंश प्रसाद के यह बयान के खारिज कर दिले, ये बात के एकदम खारिज करता रहे और उनकर अलग कहना बढ़ गए। एक तरफ जहाँ रुआ याद हुई कि जीतन राम मांझी कांग्रेस से भी बड़ा अपने का समझता रहे, कांग्रेस के ज़्यादा जनाधार वाला समझता रहे, उनकर बैकअप में भी कई गो दल इस बात के समर्थन करते रहे। लोग काले सुने ले नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़न प्रेम रंजन पटेल, वो कहले रहन कि कांग्रेस से ज़्यादा जनाधार जीतन राम मांझी के बड़ुए, उनका सम्मान नहीं मिलत, अपमानित होता रहन। एक तरफ जहाँ रेड कारपेट बिछल बढ़ुए, ओजा इस तरीका के बयान आना और भी वरिष्ठ नेता के खाती एक बात के दूसरों तरफ से मोड़ल जा सकता था। लेकिन ये जो बात सामने आ गई बढ़ुए, ये बात राजनीति में जरूर कोनो ना कोनो बीज रोपण जरूर करी, जौना से महागठबंधन में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा दोनों पहलू सामने आई। संतोष कुमार सुमन इहो बात कहले हा कि तो फिर राजद काहे नहीं के कांग्रेस के सिंबल पर लड़ जात, ये नसीहत वो अपना भीरी रखस। हर कोई के अपन अपन अलग अलग पहचान बढ़ुए, अलग आइडियोलॉजी बढ़ुए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनी, वह आधार पर सब लोग मिली। ये बात रुआ से बतावल चाहते नहीं कि इस सब कुछ हो रहा बढ़ुए, जीतन राम मांझी के बात के एहसास हो गई बा कि उनका एक से ज़्यादा सीट महागठबंधन में नहीं मिलत, हो सकेला इस सबसे बड़ा कारण हो गए। एकरा पहले एक और बात कहले रहन जीतन राम मांझी कि वो जनरल सीट पर भी लड़े के तैयार बनन, एकरा मतलब रुआ समझता नहीं, एक से ज़्यादा सीट उनका चाहिए और यह उनकर मान सम्मान बढ़ुए। संतोष सुमन जो उनकर पुत्र बाड़े, उनका तरफ से बयान आना बहुत कुछ कहत रुए। हालांकि अभी तक एक बार प्रतिक्रिया राजद या रघुवंश प्रसाद के तरफ से नहीं खे आई, हमने के प्रयास कहीं नहीं हजा कि रघुवंश प्रसाद से बात हो जाओ, लेकिन जानकारी मिला रहा कि आज वो बात ना करी है, काल पटना लौटला के बाद बात करी है। बात बहुत गंभीर बढ़ुए और ये गंभीर बात कहीं ऐसा ना कि महागठबंधन से एगो दल के विदाई के अंतिम वाक्य होके, या फिर एगो कहावत बढ़ुए बड़ा बढ़िया बिहार में कि रोए के तरह रहले रही तब तक ले अंखिए खुदा गई, कहीं ऐसा ना होके कि जीतन राम मांझी 3 तारीख के जौन रेड कारपेट उनका खाती NDA बिछा के पहले से तैयार बढ़ुए, वो रेड कारपेट और ललकी कुर्सी पर जीतन राम मांझी जाके बैठ मत जास। हालांकि लालू प्रसाद से मिलला के पहले भी जीतन राम मांझी ये बात कह रहे हैं कि वो NDA में ना जाई हैं, राजनीति है भाई, और राजनीति में कब का हुई ये कहल बड़ा मुश्किल बढ़ुए। राजनीति के जौन चाल होला न वो सीधा ना होला, वो हाथी के तरह मदमस्त ना चलला, राजनीति के चाल जौन होला न घोड़ा के तरह डेढ़ घर चलला, अढ़ाई घर चलला, शतरंज के विचार बिछ गई बढ़ुए। लोकसभा 2019 के रणभेरी फुका गई बा, सबके तैयारी चल रहा बढ़ुए, मीडिया में चर्चा शुरू हो गई बढ़ुए, ताल ठोका रहल बा, खूंटा ठोका रहल बढ़ुए, आर पार हो रहल बढ़ुए, रैली हो रहल बा, एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप उखाड़ कबाड़ सब हो रहल बा। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से खूंटा कबरी कि औरू गहिराह गड़ाई, ये तो देखे वाला बात हुई। लेकिन कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़े के जौन मुद्दा उठौले बाड़े रघुवंश प्रसाद, ये मुद्दा अब बिहार के राजनीति में ट्रेंड करे लागल बढ़ुए। जैसे ही अगर आप कोनो बयान आवत रुए, रुआ लोग से साझा जरूर कल जाई, लेकिन रातों रात जौन सबसे बड़ खबर बढ़ुए वो ये बा कि राजद और हम के बीच में, हिंदुस्तानी आवाम के पार्टी के बीच में जो अनुनाश्रय
प्रगाढ़ संबंध रहल है काल तक ले पिठैया बैठा के तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनावे के दावा करे वाला जीतन राम मांझी के पुत्र अगर एह तरीका के बात करते रहे राजद के वरिष्ठ नेता के प्रति उनका सोच यह तरह के बढ़ुए तो एह गठबंधन के मालिक शायद केहू नहीं खे और मालिक गईले घर तो जेने तेने हर इहो कहावत को बड़ा प्रचलित बुड़ुए जब खेत में हरवाही होला ना हर से जब जोताला तो एगो दूगो तीनगो हर रहला ओकरा पीछे पीछे हरवाह रहले मालिक किनारे बैठ कर छाता लगा के बैठे रहले। लालू प्रसाद अभी रांची में बड़न ओजा से हर दिन के प्रतिक्रिया उनका नज़र के सामने नहीं खे यही खातिर कहावत बुड़ुए कि मालिक गईले घर तो जेने तेने हर महागठबंधन बाँची कि टूटी समय बता रहा बुड़ुए तारीख पे तारीख याद बानू फिर जुड़ब रुवलों से तब तक खाती गोड़ा रहती है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।